मंच पर उपस्थित अध्यक्षीय मंडल और हॉल में बैठे श्रोतागण, सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि साथियों, आज का जो सब्जेक्ट है सामाजिक परिवर्तन जो है वो खुले अम्बेडकरी विचारधारा के बिना असंभव है, और ये 100% सही बात है, क्योंकि बामसेफ ने जब से बामसेफ संगठन शुरू हुआ है और इस विचारधारा को उन्होंने बिल्कुल परिपक्व 24 कैरेट गोल्ड की तरह स्टेप लगा के ये साबित कर दिया है कि समाज का कोई भी परिवर्तन इसके बिना संभव नहीं है। वैसे तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होना ही है, चाहे वो आर्थिक परिवर्तन है, सामाजिक है, धार्मिक है, भौगोलिक है, कोई भी है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लेकिन जो खुले अम्बेडकरी विचारधारा के तहत जो परिवर्तन होगा वही समाज के हित में होगा, और इसमें बामसेफ का जो कैडर है वो इसी विचार पर आधारित है, और इस विचार को लेकर ही छोटे छोटे प्रोग्राम भी करती है बामसेफ और नेशनल कन्वेंशन भी करती है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है, जब नेशनल कन्वेंशन होते हैं तो इसमें जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं वो बहुत ही मेहनत से पैसा इकट्ठा करके और इस कन्वेंशन को करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करते हैं, और वो सफल तब होता है जब हमारी गैदरिंग यहाँ सही संख्या में हो और वो आए यहाँ बैठे सुने और सुन के अमल करें, तो वो हमारे प्रोग्राम भी सफल होते हैं। अन्यथा हम देखते हैं बहुत से साथी हमारे बीच में ऐसे होते हैं, नेशनल कन्वेंशन के बहाने आते हैं लेकिन ज़्यादातर साथी घूमने के उसमें ही फिराक में रहते हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ हॉल में कम उपस्थिति है, जितने लोग वहाँ थे उतने यहाँ नहीं हैं। तो साथियों, मैं विचारशील खुले अम्बेडकरी विचारधारा के बारे में जो कहना चाह रहा था, उत्कृष्ट विचार होने चाहिए। अभी एक कहानी के माध्यम से, एक व्यक्ति अपने परिवार में अच्छा खुशहाल है और उसका बच्चा जो है वो अच्छी एजुकेशन में जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके घर पे काली भैंस होती है, भैंस अच्छा दूध दे रही होती है, लेकिन किसी पंडित की नज़र उस पर पड़ जाती है। जब पड़ती है तो उसके दिमाग में ये आता है, भाई ये भैंस इससे कैसे भी दान में लेनी चाहिए किसी भी तरह से। तो वो जब उसके घर जाता है पंडित, तो उसको कह रहा है भाई तेरे घर पर जो है ना बहुत बड़ा ग्रह है और उसमें कुछ भी हो सकता है और तेरे बच्चे के साथ भी कुछ हो सकता है। अब जो सामान्य आदमी है, जो अवेयर नहीं है, जो खुले अम्बेडकरी विचारधारा से अनजान है, वो लोग जल्दी भ्रमित हो जाते हैं और डर जाते हैं। तो उसने पूछा, भाई जब ऐसी कोई घटना होने वाली है, आपको पता है, तो इसका कुछ उपाय भी होगा? कहाँ उपाय भी है इसका। तो पंडित उसको उपाय बताता है और वो कहता है, भाई आपको काला दान करना पड़ेगा, काला दान, क्योंकि उसकी नज़र तो भैंस पे है, भैंस काली है, आपको काला दान करना पड़ेगा। अब वो बंदा सोचता है भाई काला, अपने मन में विचार करता है, चलो कोई बात नहीं पंडित जी करेंगे। तो उनके पड़ोस में ही कोई विचारशील व्यक्ति, इस तरह हमारे अतरवीर जी हैं, पड़ोसी होता है, वो अपनी समस्या उसको बताता है, भाई मेरे साथ में ऐसा हुआ है और पंडित जी जो ना काला दान मांग रहे हैं। तो कहते हैं, यार काला दान, अरे कोई घर में कपड़ा कपड़ा होगा वो दे दे काला कपड़ा। हाँ बात तो सही है, दान ही तो है। तो व्यक्ति काला कपड़ा पंडित जी के पास जाता है और काला कपड़ा दान देता है, लो पंडित जी ये आपका काला दान है। उसका माता ठनक जाता है, वो कह रहा है ये थोड़ी काला दान, अब क्लियर तो कह नहीं सकता, बहाने मारता है कि ये थोड़ी काला दान कि और, अरे काला हो लेकिन जान वाला हो, जान वाला हो। वो अपना फिर अपने मित्र के पास आता है, पड़ोसी के पास में, वो कह रहा है यार वो तो ये कह रहा है काला हो और जान वाला हो। उसने सोचा यार,
तो ऐसा कर रहे, कल परसों पीछे सपेरा आया था इधर जो ना, वो दिखा रहा था सांपों का खेल दिखा रहा था, उसके पास एक काला सा छोटा सा सांप है, वो लेके दे दे। वो गया और अपने उसको बंद करके कपड़े पैक करके उसको दे दिया। वो कह रहा पंडित जी ये लो आपका काला दान, दान काला भी है और जान वाला भी है। पंडित जो ना वो उसका फिर माथा टनक गया और दूर 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 कर इसको, वो कह यार यार देख समझ में नहीं आई बात मेरी, मेरी बात जो तेरी समझ में नहीं आई, कह तो पंडित दोबारा समझा दो कि भाई दान काला हो और जान वाला हो लेकिन चार पैरों वाला हो, चार पैरों वाला हो। उसने कहा भाई ये तो फिर मुश्किल में पड़ गया। अब वो फिर अपने मित्र के पास आया, जो उसके मित्र थे वो भले अम्बेडकर की विचारधारा के थे। उसने कहा भाई वो तो ऐसे कह रहा है काला हो जान वाला हो और चार पैर वाला हो। वो कहा अच्छा ऐसा करे मेरे घर के पीछे बिल्ली जो ना ये ज़्यादा कूद फांद करती है और इसको पकड़ के दे दे। उस बंदे ने वही किया और वो बिल्ली काली बिल्ली थी, उसने बिल्ली पकड़ के बांध के कपड़े में लपेट के दे दी, पंडित जी ये लो अपना दान, दान काला भी है और जान वाला भी है और चार पैरों वाला भी है। पंडित जी का माथा ठनका कर रहा भाई जी यार मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारी बात समझ में क्यों नहीं आती, कहते पंडित जी आप खुल के क्यों नहीं समझाते। अरे मैंने समझाया तो था, अब समझ ले, लास्ट में कह रहा हूँ, दान काला हो जान वाला हो चार पैरों वाला हो लेकिन दूध देता हो, दूध देता हो, क्योंकि पंडित जी ने तो भैंस पे थी, दूध देता हो। अब वो अपने फिर मित्र के पास गया, वो कहने लगा भाई वो तो ऐसे ऐसे कह रहा है कि तो भाई फिर ऐसा करे सामने कुत्ती सूई हुई है कुछ दिन पहले, काली भी है और 8-6-7 पिल्ले भी हैं इसके, ऐसा कर तू तो इसको उठा के पढ़ के दे दे उसको। अब वो उसने वही किया, लो पंडित जी ये आपका दान, कुतिया भी काली थी, काला है, चार पैरा पैर वाला भी है, जान वाला भी है और दूध भी देता है। पंडित जी उठ के खड़े हुए, यार ऐसा कर दान तो गया ऐसी तैसी में, तू मुझे ये बता दे तेरा सलाहकार कौन है। वो कहा मेरे सलाहकार तो अतरबीर जी है, कहते फिर तेरे घर पे ग्रह नहीं है और ग्रह मेरे घर पे है। तो साथियों यही है, जब तक आपके विचार उत्तम नहीं होंगे, जागृत नहीं होंगे, क्योंकि फुले अम्बेडकर की विचारधारा है वो जागृति के लिए है, तो इस करके हमें हमेशा उत्तम विचार रखने चाहिए, अवेयर होना चाहिए। अभी वैसे मैं धम्म का काम करता हूँ तो 5 सीलों के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि 5 सील जो हैं वो बोल तो देते हैं लेकिन भाई मैं चोरी नहीं करूँगा मैंने बोल दिया, या मैं हत्या नहीं करूँगा, लेकिन हत्या आदमी करता क्यों है, चोरी करता क्यों है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। इनका जो विषय होता है हत्या का विषय क्रोध है, हत्या का जो विषय है क्रोध है, और जब तक आदमी क्रोध नहीं पालेगा अपने अंदर वो किसी जानवर में एक लकड़ी तक नहीं मार सकता, लेकिन वो हत्या कर देता है। तो हत्या के लिए कितना क्रोध करना पड़ेगा, क्रोध एक जलते हुए कोयले के समान है, क्रोध जलते हुए कोयले के समान है, किसी दूसरे पर फेंकने से पहले उसको पहले अपने हाथ ही जलाने पड़ते हैं। इसी तरह चोरी का भी है, तो एक गाथा है सम्यक संबुद्ध के ज़माने की, उधर आए हुए थे किसी बुद्ध विहार में ठहरे हुए थे, एक परिवार बहुत दुखी था क्योंकि उस परिवार का जो मुखिया था वो नंबर एक का अय्याश, दारूबाज, चोरी भी करता था, यानी उसमें 5 सील में से एक का भी पालन वो नहीं करता था। तो अब जब जो आदमी एक भी सील का पालन नहीं कर रहा, शराबी भी है चोरी भी करता है, अब जब चोरी करेगा जेल भी जाएगा, ठीक है ना, अय्याशी भी है, सब कुछ उसमें ऐब थे, तो बड़ा परेशान था परिवार। किसी उपासक ने बताया भाई इस तरह उधर भिक्षु आए हैं और तुम उनसे मिलो, वो हो सकता है तुम्हारे प्रॉब्लम का समाधान कर दें। तो उसकी औरत अकेली गई, भिक्षु उनको वंदना किया, जो भी है मेरे साथ में ऐसे ऐसे घटना घटी है और आप कोई उपाय बता दो, क्योंकि उस टाइम उपाय जो लोग अंटे घंटे में ज़्यादा विश्वास रखते थे, पति बेशक घर में बैठा है और औरत कहीं जाके किसी बाबे के पास में कोई ताबीज या गंडा ले आई, तो उस तरह के ज़्यादा चलते थे। तो भिक्षु कहने लगे भी समाधान तो है लेकिन
समाधान वही कर सकता है जो इस प्रॉब्लम का मतलब वो है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है वही कर सकता है। आप उसको मेरे साथ लेके आओ मेरे पास में, फिर मैं बताऊंगा। तो अब वो कहाँ आने को तैयार, लेकिन किसी बहाने से वो उसको साथ ले गई और उनके साथ में विचार चर्चा किया। तो उन्होंने यही 5 सील दिए उसको कि भाई आपने लाइफ में मतलब सीलों के बारे में बहुत कुछ बताया, तब जाके उसको बताया भाई ये सील आपको ग्रहण करने पड़ेंगे और आपकी घर की प्रत्येक समस्या का समाधान होगा, ये मेरी गारंटी है। वो कहने लगा बंदे जी 5 सील तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि दारू मैं पीता हूँ, मैं दारू छोड़ नहीं सकता, मेरे बस में ही नहीं है, मेरे कंट्रोल से बाहर है, और चोरी के बिना मेरा गुजारा नहीं होता, और दूसरे भी है 4 सील हैं वो भी, हाँ एक सील ऐसा है जिस पर मुझे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मैं ले सकता हूँ। तो कह रहा तू वही ले ले। वो कहा मैं ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब उसने वो सील ले लिया झूठ नहीं बोलने का, घर चला गया। घर जाने के बाद में अब वो सारे काम तो करता ही था, ठीक है भाई शराब पिए हाँ पिए, ये काम किया हाँ किया है। तो एक दिन एक राजमहल में वो चोरी करने चला गया, चोरी करने चला गया तो उसने देखा वहाँ पर चोर जो था वो उसका दरबान था, वो कह रहा भाई कहाँ जा रहा है, कि चोरी करने जा रहा हूँ। दरबान सोचा साला चोर चूर तो है नहीं, ऐसे ही है, चोर कोई बोलता थोड़ा ही है मैं चोरी करने जा रहा हूँ। उसने भी बोल दिया कि भाई ये तू जो लाएगा उसका आधा लूँगा मैं, वो कहा आधा ले लिया भाई। वो अपना अंदर चला गया तो उसने खजाने में देखा उसमें मोहरें होती थी उस टाइम असरफियाँ, उसमें काउंटिंग करी उसमें 51 थी 51। अब उसने जब सारी उठाई तो सोच रहा भाई इसका बंटवारा सही नहीं होगा, आधी आधी करनी है तो 1 26 और 1 25 रह जाएगी। तो उसने 1 असरफी वहीं छोड़ दी और 50 लेके वो आ गया, आ गया उसमें से 25 उसने ले ली दरबान में। अब वो अपने घर चला गया। अब घर जाने के बाद में जब वहाँ हल्ला मचा, पता लगा भी चोरी हो गई है, चोरी हो गई है, चोरी किसने की है, वो बात फैलते फैलते उस शहर में फैल गई। अब वो बात वहाँ तक आ गई तो उसको बुला के कोई सख्त स्वभाव जो भी है पूछा गया तो उसने राज दरबार में बोल दिया भाई आपने चोरी की है, कि हाँ की है। तो कितनी वहाँ, क्योंकि एक रह गया था वहाँ, वो कह यार तू भले मानस जब तू ले गया था तो 51 तो थी सारी, तू 50 ही क्यों ले गया, 51 क्यों ले गया। वो कह साहब मैं चोरी बेशक करता हूँ लेकिन मेरे चोरी का भी कसूल है, अगर तुम्हारे जो वो दरबारी है ना उसने कहा आधा लूँगा मैं, और 26 में 51 में तो आधा बनता नहीं है, इस करके मैं 50 ले गया था, 25 तुम्हारे दरबार को दे गया था। अब राजा को बड़ा अफसोस हुआ तो उन्होंने अपने जो सिपाही प्यादे होते उनसे बैठ के वार्ता की कि यार क्यों ना इस बंदे को जो ना खजाने का मालिक बना दिया जाए, भाई चोर बेशक है लेकिन है तो ईमानदार आदमी, बोल तो सही रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा कम से कम। तो उसने बोला भाई ऐसा है तू आज से अपना बोरिया बिस्तर इधर लेके आ और ये खजाना जो है ना तेरे अंडर है, आज से इसका तू मालिक है, तू इसकी रखवाली करेगा। अब वो बड़ा सस्पेंस में पड़ गया, वो कह रहा जी रुक जाओ इसका फैसला मैं बाद में करूँगा, पहले मैं अपने घर पता कर लूँ। वो घर गया, घर जनानी को बोला तू ऐसा कर जल्दी फटाफट वहीं चलते वो बाबा जी के पास, भिक्षु के पास, भंते जी के पास। वो वहाँ गया तो जाके उसने प्रणाम किया। उस आदमी को एक झूठ न बोलने से मतलब सच बोलने से और एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, उसने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई भाई मैं चोरी क्यों करता हूँ, क्या है भाई मेरा गुजारा नहीं होता। तो कहा तू यहाँ का इंचार्ज रहेगा, सारा कुछ तेरा होगा, खाना पीना तनख्वाह भी हम देंगे तेरे को, सब कुछ मिलेगा यहाँ। तो इतनी बड़ी सुविधा मेरे को एक सील से मिल गई है तो बाकी 4 कहाँ है। वो भिक्षु के पास गया, वो कहा भिक्षु ऐसे ऐसे बनते जी मुझे वो 4 और दे दो। कि क्या हो गया भाई 4 दिन में परिवर्तन हो गया। कहे हाँ बिल्कुल, मैं वो अपना वंदना करके उन नतमस्तक हुआ और बनते जी ने फिर 4 सील और दिए और बाद में वो इतना महान आदमी बना उस राज्य का कि बहुत बड़ा आदमी प्रचारक हुआ। तो सीलों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो इसी तरह से क्रोध वाला भी है, चोरी भी है, व्यभिचार भी है, इन सब के अपने अपने एक सब्जेक्ट वो विषय होते हैं। जैसे चोरी का लालच हो गया
हत्या का क्रोध हो गया, मूसा जो जो ना शराब का है, नशे का है, ठीक है ना, उनका भी अपने सब कहने के कारण होते हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ और यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।